नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दंगल का। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। दिल्ली समेत देश भर में लगातार कोरोना गंभीर हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और इस बीच आज गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग लैब शुरू की है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हफ्ते में ऐसी 10 मोबाइल लैब शुरू होंगी। एक लैब से यह माना जा रहा है 3000 तक सैंपल लिए जा सकेंगे, यानी कि एक हफ्ते के भीतर ऐसी 10 मोबाइल लैब जो कि प्रतिदिन कम से कम 30,000 के आसपास टेस्टिंग मूविंग बेसिस पर यानी कि चलते फिरते कर सकेंगी। ये कोरोना से लड़ाई के खिलाफ एक बड़ा कदम आज ही उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर देश की राजधानी दिल्ली समेत गुजरात जैसे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, और साथ ही राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कि पहले बताइए आप लोग कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके से प्लान बना रहे हैं। और इस सब के बीच आम आदमी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। हम आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों के इंतजाम पर PIL की सुनवाई के दौरान बढ़ रहे कोरोना मामलों का सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो गया। कोर्ट ने कहा कि नवंबर में कोरोना मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है, सभी राज्यों को मरीजों के मैनेजमेंट पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अगर राज्य तैयार नहीं होंगे तो दिसंबर में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना पर नई व्यवस्थाओं की बातें गिनाई गई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में हालात खराब हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि स्थिति दिल्ली में भयावह होती जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसके लिए सख्त उपाय करने की जरूरत है, वरना दिसंबर में हालात और खराब होंगे। यही बात चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, देश और विदेश के कोविड विशेषज्ञ भी यही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, लोगों में लापरवाहियां बढ़ती रही और इसी तरह से जैसे लोग कर रहे हैं मनमानी, वैसे अगर करते रहेंगे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 6,746 नए मामले सामने आए हैं और 121 लोगों की जान गई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,29,000 हो गया है और मौतों का आंकड़ा 8,391 हो गया है। हर दिन औसतन 12-13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है। और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। बात सिर्फ एक दिल्ली की नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी स्थितियां बिगड़ रही हैं और इन बिगड़ रही परिस्थितियों में कोरोना कर्फ्यू लौट आया है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। शादी जैसे आयोजनों पर भी रोक है। राजस्थान में भी सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार भी 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी लोगों को चेता रहे हैं। इन सभी हालातों में इंतजार वैक्सीन का है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मार्च तक देसी वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन जो हैं वो अलग अलग फेजेज में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के अब, तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, जल्द वैक्सीन से उम्मीद तो जगी है, लेकिन बचाव ही उपाय के मंत्र को भूलना ना समझी होगी। आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत होंगी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राघव चड्डा होंगे, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। और हमारे साथ इस समय अविनाश आदिक आ गए हैं, वो प्रवक्ता हैं एनसीपी के। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ आ गए हैं, वो जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राघव चड्ढा, मेरा सवाल आपसे है, राजधानी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देगी तो क्या बताएगी? कोर्ट ने आज कहा कि बताइए अपने अपने स्टेटस रिपोर्ट के, आखिर आप ऐसा क्या करेंगे कि दिसंबर में हालात और डरावने ना हो जाए? जी बिल्कुल, आज देश के उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अन्य सरकारों से क्या क्या कदम उन्होंने कोरोना महामारी के सेकेंड वेव और कुछ कुछ राज्यों में थर्ड वेव को रोकने के लिए लिए, उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हम पूरा ब्योरा, जो जो कदम हमने उठाए हैं, वो सारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। अभी हमने हाई कोर्ट में भी सबमिट किया था। और मैं आपको बता दूं, जो जो आप स्टेप्स पूछ रहे हैं, कि एक नवंबर से देखा गया कि दिल्ली के अंदर संक्रमण की दर बढ़नी शुरू हो गई। अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में एक स्थिरता सी आ गई थी, 5-7% के आसपास संक्रमण की दर थी, जो नवंबर में बढ़ी। उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक लापरवाही भी है, महामारी की थकान है, वायु प्रदूषण है, कई चीजों के चलते। और एक नवंबर से जो दर बढ़ी, वो 7 नवंबर को आते आते 15.5% पे पहुंच गई थी। बहुत ऊंची संक्रमण की दर हो गई थी। कई सारे प्रशासनिक हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप रोहित जी करने के बाद, चाहे वो जो फंक्शंस की लिमिट है वो 200 गेस्ट से घटाकर 50 गेस्ट करनी हो, मास्क फाइन जो लगता है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 करना हो, मार्केट एसोसिएशन से बैठक करनी हो, आईसीयू बेड्स में 80% आरक्षण लाना हो, ये सारी चीजें लाने के बाद हमने देखा है कि संक्रमण की दर, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, 15.5% से घटनी शुरू हुई। 14, 14.5, 13, 12, 11.5 घटते घटते आज वो 10.5% पे आ गई है। यानी कि ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि और नीचे जाएगा, लेकिन इसमें भागीदारी और सहयोग सबका चाहिए और राजनीति किसी की नहीं चाहिए। इसमें केंद्र सरकार से भी भागीदारी हमें चाहिए, अन्य राजनीतिक दलों से भी चाहिए और जनता से भी चाहिए। हमने देखा रोहित जी की समाज का भी एक छोटा सा तबका एक प्रकार की लापरवाही, एक प्रकार की महामारी की थकान से गुजर रहा था, जिसके चलते मास्क नहीं पहने गए, जिसके चलते सामाजिक दूरी का पालन में थोड़ी कोताही बरती गई। इसके चलते अब आज अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है, तमाम विधायक सांसद आम आदमी पार्टी के। मैं खुद कल अपनी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह मास्क बांट रहा था, आज हमारे सारे कार्यकर्ता मास्क बांट रहे हैं, ताकि एक जागरूकता का अभियान भी चलाया जाए, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए कम्युनिटी ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है रोहित जी। राघव जी, उससे कोई पीछे नहीं जा सकता, इससे कोई एतराज नहीं कर सकता कि कम्युनिटी को खुद जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि हम 15.5% से घटा के 10.5% पे ले आए हैं संक्रमण की दर को, उस समय आपको ये भी देखना होगा कि पिछले 24 घंटों में जो लोगों की जान गई है, उसमें कम से कम 23.5% का आंकड़ा वो दिल्ली का है, देश की राजधानी का, जिसके लिए आप ही लोग 3-4 महीने पहले तक हमारे साथ बैठ के कह रहे थे कि देश के और राज्यों को हमसे सीखना चाहिए कि कैसे कोरोना से लड़ना है। अब महाराष्ट्र कह रहा है कि हमसे सीख लो कैसे लड़ना है। देखिए, आंकड़े कोई झुठला नहीं सकता रोहित जी। मैं जब दिल्ली मॉडल की बात करता था, जिसपे मैं आज भी कायम हूं, मैं ये कहता था कि देश का नहीं, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू करी। ऑक्सीमीटर सबसे पहले हमने बांटे, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, होम आइसोलेशन मॉड्यूल जो हमने शुरू करा, आज देश के अन्य राज्यों में उसको अपनाया जा रहा है। ऐसी कई सारी चीजें करी हैं और लोग ने आज हमारे अनुभव से सीखकर अपने अपने राज्यों में लागू करा है। लेकिन अगर मृत्यु के आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, तो उस आंकड़े को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन एक भी मौत को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक भी मौत को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि अगर आप एक औसतन मृत्यु दर देखें, जब से ये महामारी आई हमारे देश में मार्च के महीने से लेकर आज तक, तो भी जो मृत्यु दर है वो अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कम है। हमने जाने ज्यादा बचाई हैं, कुछ जाने गई हैं, उसका हमें बहुत अफसोस है। आज यदि हम बात करें, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात का भी जिक्र करा, आज अहमदाबाद के अंदर जो मृत्यु दर है वो देश की सबसे सर्वाधिक है, 4.1% डेथ रेट है, दिल्ली में वो 1.5 है। तो मृत्यु दर तो अहमदाबाद में हमसे 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले आपको थोड़ी पूछा कोर्ट ने, कोर्ट ने उनको भी पकड़ा ना आज साथ में कि आप लोग कर क्या रहे हैं, सबको पकड़ा है, उनसे भी पूछा कि भाई बताओ क्या आपके पास प्लान है। तो अब मसला ये है, क्या हम ये मान लें कि कोर्ट को भी ये लगने लगा कि इन सरकारों के बस का कुछ नहीं है सुप्रिया श्रीनेत, इसलिए कोर्ट अब सरकारों को वो जो कान मरोड़ना सरकारों को खुद करना चाहिए था वो कोर्ट को करना पड़ेगा?
क्या सरकारों ने बीच में ढिलाई बरत दी या जनता ने ढिलाई बरती? ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत ढिलाई तो सरकारों ने भी डाली और थोड़ी बहुत ढिलाई जनता से भी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जनता को कहीं पर यह गलत मैसेज दे दिया कि अब स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और इसीलिए हम कोरोना की बात ही नहीं कर रहे थे भाई। हमारा मतलब है सरकारें कोरोना की बात ही नहीं कर रही थी। इस समय सारा ध्यान कोरोना पर होना चाहिए। दिल्ली की जहां तक बात है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ रहते हैं और नेशनल कैपिटल है, दो ही आंकड़े हैं दिल्ली की बताने के। पहला, हिंदुस्तान में हर 5 की मौत दिल्ली में हो रही है और हर 10 मिनट में दिल्ली वासी एक मर रहा है। ये है दिल्ली में भयावह स्थिति। और अगर नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट जो पहले हफ्ते में अक्टूबर में दी गई थी, उसके अनुसार बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि दिल्ली में 15,000 तक संक्रमण के मामले होंगे डेली। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, क्योंकि अमित भाई इसलिए आकर वाहवाही तो बहुत बटोर ले गए थे। उन्होंने इसको कितना सीरियसली लिया? महेश शर्मा कमेटी ने भी आईसीयू बेड की बातें करी थी, उसको कितना सीरियसली लिया गया? जब स्थिति इतनी भयावह और भयंकर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर टिप्पणी कर रहा है, तब हम लोग आज इस पर फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों नहीं कोरोना को हमारा सेंट्रल फोकस ऑफ कॉन्वर्सेशन रखा गया? हर तरह की उलझन उन्हें इधर उधर की बातें की जा रही है, कोरोना की बात नहीं कही जा रही। कहीं पर कोई सुर्खियां बटोरने लगता है, कहीं कोई लीपा पोती करने लगता है। सच तो यह है कि हमारे वक्त की सबसे बड़ी महामारी और सबसे बड़ा संकट सिर्फ और सिर्फ कोरोना है और उसमें सरकारों ने नजरअंदाजी करी है और अपना ध्यान लोगों का बताने की। जब आप ये कहती हैं सरकारें, तो उसमें आपकी अपनी पार्टी की सरकारें भी शामिल हैं कि उनको एग्जम्पशन है? मैं बिल्कुल किसी को एग्जम्पशन नहीं दे रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि सिर्फ उसी पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने इसको दलगत बनाने की, नहीं दलगत तो चड्डा जी ने कर ही दिया पहले ही, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। ये दलगत तो आप लोग कर ही रहे हैं ना, पहले दिन से कर रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं सुप्रिया जी। एक सेकंड, अब क्योंकि आपने छेड़ा है तो मैं इस चीज को और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी हफ्ते आठ दिन पहले सुप्रिया जी, जब गुजरात की सरकार ने कहा कि हम 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने मजाक उड़ाया। उसके 2 दिन बाद राजस्थान की सरकार को भी वही फैसला लेना पड़ा, जबकि हम 8 महीने से कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टियों को ये भूल के कि हम अलग अलग पार्टियां, हमें एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है, कम से कम कोरोना के मामले में एक जैसा सोचना चाहिए, एक तरीके से चलना चाहिए। क्यों नहीं हुआ वो? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। मुझे लगता है चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे राजस्थान की हो, जहां के नियम नीति निर्माताओं को, जहां के मुख्यमंत्रियों को लगता है कि कदम उठाने चाहिए, उनको बिल्कुल कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं। लेकिन क्योंकि आपने दलगत राजनीति की बात कर दी, तो मैं आपको ये जरूर बता दूं, मैं तो इसके बारे में नहीं बात करना चाहती थी, कि राजस्थान जो कि नेबरिंग है दिल्ली से, वहां पर 460 पर मिलियन से कम, 460 दिल्ली में है, वहां पर 30 पर मिलियन डेथ रेट है। इसको आप क्या कहिएगा? कहीं पर दिल्ली की सरकार सुर्खियां बटोरने में, लीपा पोती करने में, जिसमें केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही, उसी ने मजबूर। तो ये बात आपने फिर महाराष्ट्र की सरकार को क्यों नहीं बता दी थी कि ऐसे बचा सकते हैं लोगों की जान? क्योंकि जब आपसे महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछा गया तो आपके नेता ने कहा कि वी आर नॉट ऑन द ड्राइविंग सीट, हमारा कोई मतलब नहीं है, वहां कोई और चला रहा है, अगर आपको याद हो तो। एब्सोल्युटली नॉट। महाराष्ट्र ने इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली, और ये कहते हैं दुख होता है आज सुप्रिया जी, आज इसलिए ये कह रहे हैं कि इनसे सीखना चाहिए बाकी राज्यों को। तो रोहित जी आप मुझे बताइए, दिल्ली की सरकार आज कहती है पीक नहीं हुआ, पीक हो गई है, आपका एमपी भी कह रहा है पीक नहीं हुई है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्कुलर कह रहा है पीक नहीं हुई है। अरे इन सरकारों को तो एक पेज पे रहना चाहिए, ठीक है। इसको दलगत राजनीति बनाने का गलती आप भी मत करिए, ये मेरी नसीहत रहेगी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई, बुरी लगेगी आपको ये कहावत, लेकिन मैं तो 8 महीने से कह रहा था यहाँ बैठ के कि राजनीतिक पार्टियों को आपस की तूतू में छोड़ के कोरोना पे कम से कम एकजुट होकर बात करते हुए दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले दिन से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी। हर पार्टी ये साबित करना चाहती थी कि हमने कोरोना से लड़ने का फार्मूला ढूंढ लिया है, दूसरे राज्य की सरकार को देख लो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। संबित पात्रा, अगर ऐसा ना हो तो बता दीजिए, पहले दिन से यही हो रहा है कि नहीं इस देश में? देखिए रोहित जी, बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठ के इस डिबेट को आज खास करके देख रहे होंगे और खास करके दिल्लीवासी देख रहे होंगे।
175 के आसपास डेथ हो जाना, और विगत एक दो हफ्ते से जो हाल दिल्ली में है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ अधिकांश लोग जो बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर दिल्ली में रहते हैं, हमारे माँ बाप किसी और शहर में रहते हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, रोज माता जी गाँव से फ़ोन करती हैं हमारी कि ठीक है ना बबुआ, बिल्कुल ध्यान रखना, बाहर ज़्यादा मत निकलना, वो इतने चिंतित हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, ये चिंता का विषय है, और ऐसे में जब हम चिल्लाकर बोलते हैं, हम नेता की तरह लड़ते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता नहीं है। मैं तो पहले दिल्ली के लोगों को अपील करूँगा, देखिए सरकारें चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, किसी की भी हो, आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, हर सरकार प्रयास कर रही है कैसे कंटेन किया जाए। चलो हम दो कदम आगे बढ़ते हैं, एक सिटीजन के रूप में हम भी मास्क पहने, हम भी हाथ को सैनिटाइज करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे ही संख्याएं कम हुई, हम भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हम भी थोड़े ढीले पड़ गए थे कि चलो घर से निकल चलते हैं, चलो शादियों में ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं, चलो हाथ सैनिटाइज, चलो पहले तो आप विश्वास नहीं करेंगे, दिन में 10-10 बार सैनिटाइज करते थे, अब फिर शुरू कर रहे हैं, बीच में सैनिटाइज करना बंद कर दिया था, पहले मास्क पहनते थे, बीच में मास्क पहनना छोड़ दिया था। देखिए हम सबका भी एक अहम, हम सबकी एक अहम भूमिका है, हम अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज हर राज्य को, उसमें आम आदमी पार्टी की भी राज्य है दिल्ली, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें गुजरात भी है जो हमारी शासित राज्य है, सबको आड़े हाथ लिया है और सबको स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के ओर से मैं इतना कहना चाहूँगा, कल मोदी जी, आप देख रहे होंगे मोदी जी लगातार स्टेटस रिपोर्ट सबकी मंगा रहे हैं, कल खुद प्रधानमंत्री मंगलवार के दिन सभी राज्यों के साथ बैठने वाले हैं, स्टेटस रिपोर्ट लेने वाले हैं, वैक्सीन किस प्रकार रोल आउट होंगे, कब वैक्सीन आएंगे, इस विषय में बात होने वाली। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी तब खुले, स्कूल खुले, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी तब खुले, बाकी गतिविधियां चालू हुई, केंद्र सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइन दी तब चालू हुई, तो बाकी राज्यों के पास तो ये कहने का रास्ता है ना कि साहब केंद्र ने बोला तो हमने कर दिया, आप कैसे जिम्मेदारी से भागेंगे फिर? मैं बताता हूं, नहीं नहीं बिल्कुल जिम्मेदारी से भागना नहीं है, मगर उत्तर भी देना है। देखिए आपने कहा कि केंद्र ने बोला तब बाजार खोला, केंद्र ने कहा ठीक है आप इन गाइडलाइन, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 के भिन्न भिन्न गाइडलाइंस थे, और हर गाइडलाइन को स्ट्रिंजेंटली फॉलो करवाना ये राज्य सरकार के काम है। क्या हम वो जो गाइडलाइंस है उनको, कहां केंद्र सरकार ने लिखा है कि बस में एकदम ठूसम ठासी भीड़ होनी चाहिए, कहां केंद्र सरकार ने कहा है कि सरोजनी नगर मार्केट में दिल्ली में इतनी भीड़ होनी चाहिए कि भाई साहब मतलब इंसान इंसान के ऊपर गिर रहा हो? दो गज की दूरी तो प्रधानमंत्री अपने हर भाषण को, भाषण चाहे G20 देश के भी हो रहे हो, उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं हो, वहां भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मास्क पहनना है, दो गज की दूरी रखना है, वो तो वहां भी कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यालय में जब कार्यक्रम हुआ तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता बाहर से आए थे उन सबकी टेस्टिंग हुई, एक दिन पहले RT-PCR टेस्टिंग हुई और इमीडिएटली एंटीजन टेस्टिंग हुई, उसके बाद हम अलाउ हुए पार्टी दफ्तर के अंदर। तो देखिए हम हर राज्य, चाहे हमारा गुजरात भी हमारी राज्य है, गुजरात में भी अगर कहीं कायदे कानून फॉलो नहीं हुए हैं, दिल्ली में कायदा कानून फॉलो नहीं हो रहा है, तो अपने अपने राज्य सरकारों को अपना अपना जो भी कहां कमी रही है। देखिए मैं एक उदाहरण देके एंड कर रहा हूं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का आज से चार दिन 19 तारीख का जजमेंट है। 19 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सरकार से एक बड़ा प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि नवंबर 1 से नवंबर 18 के बीच स्थिति बिल्कुल दिल्ली में बिगड़ गई, उस समय आपको जग जाना चाहिए था, उस समय अगर 200 लोगों की शादी हो रही थी उस समय उसे कम करके 50 की संख्या कर देनी चाहिए थी, हमारे फटकार के बाद आपने ये सब किया, ये उचित नहीं है। मैं अंग्रेजी में पढ़ नहीं रहा हूं मगर यही उन्होंने कहा, यही बाकी राज्यों में भी यही हो रहा है, सबको ठीक करने के लिए राघव आपकी बात का जवाब दे रहे फिर आदित्य जी के पास और डॉक्टर अंशुमान के पास चलेंगे ना, जरा वो बताएंगे कि असल में चूक कहाँ है और फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है कि हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है, फिर से लॉकडाउन तो नहीं होगा? राघव बोलिए। रोहित जी आपने जो अभी सवाल पूछा, मैं पिछले 10 दिन से रोजाना इन बहस पे जाता हूँ, किसी उस पत्रकार ने ये सवाल नहीं पूछा जो आज आपने पूछा है, बड़ा ही वैलिड सवाल है कि हमसे तो ये पूछा जाता है और अन्य राज्यों से पूछा जाता है कि भाई आपने अनलॉक क्यों कर दिया, इतना क्यों खोल दिया, बाजार क्यों खोल दिए, रेडी पटरी वाले लग गए, ये हो गया, दिवाली मना रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन इसकी जड़ में जो बात है वो ये है कि देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, इसके तहत केंद्र सरकार हर राज्य को अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश देती है, उसके अनुसार चीजें खोली जाती हैं, उसके अनुसार चीजें बंद की जाती हैं। तो सवाल जितना हमसे बनता है उतना केंद्र सरकार से बनता है, एक विषय। दूसरा विषय, ये महामारी से हम सब पहली बार सामना कर रहे हैं,
हर राज्य, हर केंद्र सरकार, हर नेता से भूल चूक हो सकती है। अब जैसे ही मैं अभी संबित पात्रा जी प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जब हमें इस बीमारी के बारे में नहीं मालूम था तब कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हुई थी, कोरोना वायरस देश से 21 दिन में भाग जाएगा। हो सकता था प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी ना हो इस वायरस के बारे में, तभी ऐसा बयान दिया। फिर इन्होंने कहा कि दिया जलाओ, थाली पीटो, ताली बजाओ, हम सब ने ये किया ये सोच के कि कोरोना ऐसे भाग जाएगा। इनके एक नेता ने तो कहा कि रोज ये वाला पापड़ खाओ, ये पापड़ खाओगे तो आपको कोरोना महामारी नहीं छुएगी, हमने वो भी किया। किसी को जानकारी नहीं थी इस वायरस की, इन लोगों ने ये सारी बातें फैलाई। अब आज यदि इंसान अपने अनुभव से सीखता है, हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के कहने से करते हैं, मिल के काम करेंगे। अरे सर, सरकार में बैठ के थोड़ी ना इंटेंसिव होती है। राघव जी, राघव जी, राघव जी, ये क्यों नहीं बताते? राघव जी देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप सब लोग बड़े अच्छे वक्ता हैं, बीच में मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता। अच्छे से आप लोग अपनी बात रखते हैं, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है कि बिना लड़े एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं। लेकिन जब आप सरकार में बैठ के कहेंगे कि हम इनसे सीख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, सर आप सरकार में बैठे ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं बैठे, पहली चीज आप भी कुछ करने के लिए बैठे। दूसरा, क्या हर चीज आप इनसे पूछ के करते हैं? थाली ताली पीटने को जब कहा था वो डॉक्टर का हौसला बढ़ाने के लिए कहा था या ये कहा था कि इसकी आवाज से कोरोना भाग जाएगा? आप बताइएगा, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, थाली पीटने से किसने कहा था कोरोना भागेगा? या आप व्हाट्सएप के हिसाब से जीवन जीते हैं? भारतीय जनता पार्टी के न जाने अनगिनत नेताओं ने यह बयान दिया था कि जब थाली पीटेंगे तो उससे एक ऐसी आवाज निकलेगी। नहीं, आपने पीएम का नाम लेके कहीं, मैंने इसलिए पूछा। आप मुझसे कहते कि अनगिनत नेताओं ने ऐसा कहा था तो मैं सवाल नहीं पूछता। आपने कहा पीएम ने ऐसा कहा था, पीएम का भाषण पूरे देश ने लाइव देखा टीवी पर, मैं भी यहीं बैठा था। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि 18 दिन में महाभारत खत्म हुई थी और 21 दिन में कोरोना महामारी इस देश से चली जाएगी? 21 महीने होने को आ रहे हैं, क्या बात है महामारी? ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि मानव जाति पहली बार इस महामारी का सामना कर रही है। यही बात हम जब कह रहे हैं 8 महीने से सीख रहे हैं, यही बात जब हम कह रहे थे 8 महीने से कि मानव जाति पहली बार सामना कर रही है, मानव जाति की तरह बिहेव तो कर लीजिए। राजनीतिक पार्टी तो फिर बची रहेगी, जान बचेगी तब तो। संबित पात्रा जवाब दीजिए फटाफट, फिर आदिक और डॉक्टर अंशुमन वेट कर रहे हैं। संबित जी छोटा सा प्लीज इंटरवेंशन। बिल्कुल छोटा सा देंगे। इन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि सरकार से गाइडलाइन आया था मार्केट खोल दीजिए, हमने खोल दिया और देखिए कोरोना बढ़ गया। देखिए जब कोरोना कम हुआ था दिल्ली में तो याद करिए अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे और एफएम पे आप देखिए कान खराब हो जाते थे। अरविंद केजरीवाल जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, देखो मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया है जी, अब आप सब बहुत बढ़िया से रहिए। और अब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खराब कर दिया, जब ठीक हो जाए तो प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। मैं एक मिनट रुके, मैं तो आपके बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था रोहित जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संदीप जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं उनको कह रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री के नाम गलत चीजें एट्रीब्यूट मत कीजिए, आपको भी अरविंद केजरीवाल के नाम गलत चीज एट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो मैसेज आ रहे थे, हो सकता है आपको बुरे लगते हो, बहुत लोगों को आजकल अमिताभ बच्चन की आवाज बुरी लगती है फोन पे बजती है तो, लेकिन वो एक मैसेज है जो लोगों के जहन में बिठाना जरूरी है, वो उसी रेडियो से, उसी टीवी से, उसी अखबार से, उसी होर्डिंग से बैठाया जा सकेगा। ठीक है, अब उस पर आप लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़े कि तुमने होर्डिंग ज्यादा लगाया या मैंने ज्यादा लगाए। देखिए आपने जब अभी बताया, शुरू किया, मैं डिबेट में लेट ज्वाइन किया, मैंने तो किसी मुख्यमंत्री पे अटैक भी नहीं किया, मैंने कहा हमारे राज्य भी है, इनके राज्य भी है। इन्होंने कहा कि गाइडलाइन आया था, गाइडलाइन के अनुसार हमने कर दिया, सब बिगड़ गया, और प्रधानमंत्री ने कहा था थाली पीटो, लाइट जलाओ, तब कोरोना भाग जाएगा, 18 दिन में भाग जाएगा। कहां कहा था? उन्होंने कहा था 21 दिन का साइकिल होता है, लॉकडाउन में इस साइकिल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप देखिए जब ठीक हो जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में अपने आप को बधाई दी थी कि नहीं? उस समय सब ठीक था। अब जब 175 मौत हो रही है एक दिन में, और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के ऊपर, हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट इनको कह रही है, तो ये यहाँ मोदी जी के ऊपर लठ मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बेहतर जानते हैं, मरीज जब पूरी तरह ठीक हो जाए तब परिवार को बताना चाहिए कि ठीक हो गया, अब तुम मुझे फीस दे दो या मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो खिला दो। अधिक साहब मसला यह है कि यहाँ तो अभी पता ही नहीं कि किस चीज से लड़ रहे हैं और कितने दिन तक लड़ना है। क्रेडिट की लड़ाई पहले चल रही है कि हमने पहले बेहतर कर दिया, उन्होंने पहले बेहतर नहीं किया, हमारे यहाँ देखो हमने इलाज तरीके से कर दिया, ये लोग तो ठीक से इंतजाम में नहीं कर पाए बेड का। अविनाश जी। रोहित जी नमस्कार, और सारे पैनल के मेरे साथियों को मैं नमस्कार कहता हूँ। मुझे पहली बार लगा था कि मैं शायद संबित जी के साथ सहमत हो जाऊँगा, उन्होंने पहले जो बात रखी उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी समझना इस वैश्विक महामारी में बहुत ही
आवश्यक है। मास्क पहनना, आपसी दूरी रखना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, साफ सुथरा रहना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। संबित जी ने इस बात को शुरुआत में रखा था, लेकिन बाद में जब राजनीतिक आलोचना की बात आई तो मुझे फिर थोड़ा सा बुरा लगा। ये एक वैश्विक महामारी का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, ये कोई एक राज्य की सरकार या किसी एक राज्य का विषय नहीं, एक देश का विषय, पूरे विश्व का विषय है। अब महाराष्ट्र की बात करूँ तो हम महाराष्ट्र में दिवाली से पहले लगभग 90,000 टेस्ट सरकार के द्वारा हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरह कर रहे थे। उसमें आरटीपीआर भी थी, एंटीजन टेस्ट भी थी, लेकिन ये हमें स्वीकारना होगा कि दिवाली और जो त्यौहार बीच में आए उस दौरान टेस्टिंग थोड़ी सी संख्या कम हो गई थी। अब दोबारा से हमारे यहाँ 90,000 से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। संख्या जो है आपको पता है, शुरुआत से महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज़्यादा संख्या थी, लेकिन हम 93% उसमें नियंत्रण आने में, काबू आने में सफल रहे। इसके लिए प्रशंसा मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी ने भी की, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी की। आज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो या हमारे सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, ये राजनीतिक इसको विषय की तरह नहीं देख रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, आप भी रोहित जी बहुत सही कह रहे हैं कि इसमें राजनीति लाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये वैश्विक महामारी हमारे सबके सामने है, अभी तक कोई वैक्सीन नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कई लोग कई चीज़ें रख रहे हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो मिले और इससे हमें छुटकारा मिले। लोगों को बहुत समझदारी से, सूझबूझ से सामना करना होगा और आपस में बड़े समझदारी से लोगों को डट के रहना होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो सवाल जो हर आदमी दूसरे से पूछ रहा है, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, क्या दोबारा लॉकडाउन होगा, हम पूछेंगे संबित पात्रा से, राघव चड्ढा से, सुप्रिया श्रेष्ठ से, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं या देश की सरकार क्या इस बारे में सोच रही है कि फिर से लॉकडाउन होगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक दंगल जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं और सवाल हमने ब्रेक के पहले छोड़ा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान है, जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ, अक्सर आप उनको आज तक पर सुनते आए हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जब से शुरू हुई तब से वो अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर अंशुमान, क्या सरकारें ठीक तरीके से लड़ रही कोरोना से आपको लगता है, या हमारे सिस्टम में चूक है? जी रोहित जी, मैं सारा डिबेट सुन रहा था, सारे एक्सपर्ट प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, कोरोना का मैनेजमेंट जो भी हमारे कंट्री में हुआ है, प्योरली पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हुआ है, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत कम हुआ है, मोर ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट लेने की होड़ ज्यादा रही और मैनेजमेंट कम, चाहे नंबर ऑफ टेस्टिंग हो या सीलिंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट, क्योंकि दूसरी पार्टी का अगर वहां पे है गवर्नेंस तो उसको सील करना। इसीलिए गुड गवर्नेंस एंड गॉड गवर्नेंस में फर्क हो जाता है। इंडिया अभी गॉड गवर्नेंस पे चल रहा, भगवान जो कर दे वो हो जाएगा। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है, न्यूजीलैंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे मेडिकल में, न्यूजीलैंड में जिस तरह से प्लानिंग करी और जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया है, वो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी जिसको हमें देखना चाहिए। हमारा कंट्री एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंट्री है, हेल्थ खर्च में इज मैटर ऑफ स्टेट, एट द सेम टाइम राघव जी बोल रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, तो केंद्र को भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है, इसमें लड़ाई की कोई जगह नहीं थी। आज 10 महीने बाद भी हम किस बात पर लड़ रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है या नहीं, बेड है या नहीं, तो 10 महीने में हमने क्या किया, चुप तो हुई, इसमें कोई दो। सुप्रिया जी बोलिए अपनी बात, अब हाथ उठाए थे आप ब्रेक के पहले। रोहित जी, मैं सिर्फ दो बातें ये कहना चाहती हूँ कि समय रहने सोचने की जरूरत है। लोगों का कहना है, ये मुझे नहीं पता इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है, डॉक्टर हैं यहाँ पे वो बता सकते हैं कि जाड़ों में कोरोना और बढ़ेगा। अगर स्थिति वाकई ऐसी है, इस समय युद्ध स्तर पर उसके बारे में हमें प्रेपरेशन करना होगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही नीति आयोग के डॉक्टर विवेक पॉल ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, वीके पॉल ने, कि दिल्ली में केसेस बढ़ेंगे। हमने तब उतना ज्यादा, मुझे नहीं लगता हमने किया, अगर किया होता तो इस समय की कहर ना होती। और आपके चैनल पर लगातार आप पिक्चर दिखा रहे हैं और मुझे लगता है हम सब राजनीतिक पार्टियों को हाथ जोड़कर लोगों से अपील करनी चाहिए कि इस तरह की भयावह दृश्य जो हम देख रहे हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे आम जगह हो, शादी तो देखिए हो ही जाएगी, लड़का लड़की साथ रह ही लेंगे, लेकिन अगर 200 के बजाय 100 लोगों में शादी हो सकती तो आप सुरक्षित रहिएगा। मुझे लगता है मेन फोकस ऑफ एवरी पब्लिक नैरेटिव ये होना पड़ेगा। अभी पब्लिक नैरेटिव अलग अलग चीजों में भटकाया जा रहा है, अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। पब्लिक नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ाई और उसको हराने का जब तक नहीं होगा, तब तक हम ऐसी लापरवाही लोगों से भी देखेंगे और सरकारों से भी देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत गलत चीज ये हो रही है, रोज रोज एक नई
जाती है कि बस वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने में अभी टाइम है, ये लोगों को समझना होगा, सरकारों को भी इसमें गलत बातें नहीं बोलनी पड़ेंगी, और वैक्सीन के बाद भी आपको और हमें कब वैक्सीन मिलेगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि उसमें भी कैटेगराइजेशन होगा, लोगों को ये समझाना जरूरी है, सिर्फ ये कहकर लोगों का हौसला नहीं बढ़ाया जा सकता कि हाँ वैक्सीन आने वाली है, ये बहुत जरूरी बात है। पर सुप्रिया जी, पिछले 8 महीने में कम से कम 80 प्रोग्राम मैंने ही किए होंगे जिसमें नाम रखा था कार्यक्रम का आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे, यहाँ आपस की लड़ाई खत्म हो तब तो कोरोना से लड़ने की सोचें। मुझे नहीं लगता आपस की कोई लड़ाई है इसमें, मुझे लगता है केंद्र सरकार, क्योंकि एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगी हुई है, उनको एक धुरी बनकर रोल प्ले करना पड़ेगा, जो फर्स्ट फेज में नहीं हुआ था ऐसा। मुझे ऐसा लगता है जिन राज्य सरकारों को लगता है, कोई भी राज्य सरकार हो, किसी के द्वारा भी शासित हो, कि अगर लॉकडाउन लगना है तो उनको यह आजादी होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे आप हो, अगर उनको लगता है कि लॉकडाउन लगना है और उससे लोगों की जानें बच सकती है, बिल्कुल लॉकडाउन लगना चाहिए। आपको लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा? जो है नौबत आ रही है ऐसी, मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर लगता है कि अगर लॉकडाउन लगने से लोगों की जानें बच सकती है तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। राघव चड्ढा, दिल्ली में आप देख लीजिए कितने भयावह दृश्य दिख रहे हैं, लॉकडाउन ही रास्ता है। देखिए रोहित जी, हमारा ये मानना है, हमारी ये पार्टी की, सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सबकी ये बिलीफ है कि एक अंतहीन लॉकडाउन या इंटरमिटेंट लॉकडाउन इस बीमारी का समाधान नहीं है। लॉकडाउन की एक छोटी सी एम था, ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, वो ये था कि कोई भी राज्य या सरकार या स्वास्थ्य मशीनरी तैयार नहीं थी इस महामारी से लड़ने के लिए, तो जल्दी से पूरे देश को बंद करो ताकि ये फैले ना, और उतनी देर में आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर दो, वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड इजाद करो, नए बेड बढ़ाओ, अस्पताल बनाओ, कोविड केयर सेंटर बनाओ, पीपीपी लाओ, आरटीपीसीआर जांच की किट्स लाओ, ये सब कुछ लाओ। ये सारी चीजें देश ने लॉकडाउन के दौरान किया, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करी। अब लॉकडाउन का मतलब नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना है। हमारा ये मानना है कि हाँ, अगर कहीं लापरवाही हो रही है, अगर हाँ कहीं प्रोटोकॉल्स, सामाजिक दूरी, मास्क के प्रोटोकॉल्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। देखिए, आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, ये बड़ा आसान है कहना रोहित जी, लेकिन हमें जीवन और जीविका दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स को बैलेंस बनाने की जरूरत, ऐसा ना हो कि कहीं लोग भुखमरी और गरीबी से ज्यादा लोग मरने लग जाए। यही तो हम 6 महीने पहले भी बात कर रहे थे, आज भी इसका मतलब हम, मतलब जिसको वो कहते हैं ना कि 4 दिन में 2.5 कदम चले हैं, कुछ एक कहावत है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ये कहना गलत है, नहीं तो आंकड़े बताते हैं रोहित जी। अगर आप ले लीजिए मार्च में दिल्ली में, मैं अपने राज्य का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सुप्रिया का आपसे एक सवाल है, बात कर पूछ लीजिए सुप्रिया जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो रही है और 15,000 संक्रमण होने की बात दिल्ली में है, जिसका मतलब है कि 20% आईसीयू बेड से, वो क्या हमारे पास इस तरह की सुविधाएं बन गई है पिछले 8-9 महीने में? सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, हर जगह के लिए सवाल उठेगा। देखिए, दिल्ली की मैं बात कर सकता हूँ, अन्य राज्यों की तो नहीं कर सकता, अन्य राज्यों के दृश्य लगातार आज तक चैनल भी दिखाता है कि कैसी हालत है और कैसे लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। मैं बिना किसी राज्य का नाम लिए अपने राज्य की मैं बात करूं तो हमारे पास मार्च के महीने में मुश्किल से 4,500-5,000 बेड्स थे, आज वो 4,500-5,000 बेड्स बढ़ाते बढ़ाते हम 15,500-16,000 हॉस्पिटल बेड्स पर आ गए हैं, कई हजारों की, 20,000 से अधिक की संख्या की कोविड केयर सेंटर के बेड हमने बना दिए हैं, और दिल्ली के अंदर इस समय हम 1400 के नए आईसीयू बेड्स वेंटिलेटर वाले लगाने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। जब ये आंकड़ा रखते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने इतने बेड हैं, लेकिन आदमी जब डॉक्टर अंशुमान जाता है अस्पताल के दरवाजे खड़ा होता है उसमें और वो बताता है कि मेरा रिश्तेदार मर रहा है, उसको जगह नहीं मिलती डॉक्टर अंशुमान। एक सेकंड मैं डॉक्टर साहब से, सर मैं बारीक पॉइंट आप 10 सेकंड दे दीजिए, आप 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से कमेंट लेता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, बोलिए। हाँ जरूर, देखिए मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, आप हमारा कोरोना मोबाइल ऐप खोल लीजिए, उसमें आपको 7,500-8,000 बेड जो आज भी खाली है वो दिख जाएंगे कौन कौन से अस्पताल में। लेकिन ये हो सकता है रोहित जी कि मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में रहते हैं और आप कहें कि मैक्स अस्पताल जो साउथ दिल्ली में है उसके अंदर मुझे एक बेड चाहिए, हो सकता है वो अस्पताल फुल हो गया हो। सर आदमी जब मर रहा होता है ना, वो 4 किलोमीटर दूर अपने पड़ोस का अस्पताल नहीं ढूंढता, वो एक अस्पताल ढूंढता है जहां उसकी जान बचने की थोड़ी सी उसको उम्मीद मिल सके, वो ये नहीं सोचता कि मुझे 5 सितारा में ही रहना है।
इसीलिए अप्रैल मई के महीने में ही अरविंद केजरीवाल जी की दूरदृष्टि ने यह समस्या समझी और मोबाइल ऐप इजाद करी ताकि आपको सर फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ राघव जी, या तो आप समझ नहीं रहे, समझना चाहते नहीं, ऐप पे बिस्तर मिलना और अस्पताल में मिलना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है डॉक्टर अंशुमान। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं राघव जी, आप और मैं यहीं बैठ के डिस्कस कर चुके हैं लाइव, ऐसे पेशेंट्स के परिवार भी बैठे जिन्होंने जान गंवा दी और शर्मिंदगी हुई उस समय हम लोगों को कि एक आदमी बैठ के टीवी पर रो रहा है। भाई रोहित जी कमाल की बात करते हैं, राघव जी मोबाइल एप्लीकेशन आया था तो सुन लीजिए आप, जब मोबाइल एप्लीकेशन आया था सुनिए जब मोबाइल एप्लीकेशन आया था तो शुरुआती 3-4 दिन के अंदर कुछ परेशानियां थी जो आपके चैनल ने भी दिखाई थी, वो ऐप तब नहीं थी। ठीक है, उन परेशानियों को दूर किया। चलिए मैं इसको सरकार की नहीं, मैं अस्पताल प्रबंधन की अगर दिक्कत मानता हूं तो डॉक्टर अंशुमान मुझे लगता है बेहतर बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐप पे बिस्तर मिलता अस्पताल में क्यों नहीं मिलता, आदमी अस्पताल के दरवाजे कैसे मर जाता जाके। डॉक्टर साहब बोले फिर संबित पात्रा बोले। जी रोहित जी, इसको पहले तो समझ ले, पहले डिकोड करने की जरूरत है। जब अस्पताल बिस्तर की बात होती है, नंबर ऑफ बेड्स की बात होती है, तो हम बात करें पब्लिक हेल्थ सेक्टर मतलब सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा चलाए हुए अस्पताल की बात करें, प्राइवेट की बात ना करें। उसका कारण ये है कि पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। बेड का मतलब नहीं होता है बिस्तर खाली, नर्सेज, आइसोलेशन, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एयर वेंटिलेटर रन करने के टेक्नीशियन, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ कितने बेड्स हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें क्या उचित सुविधा है कि वो पब्लिक वहां नहीं जाना चाहती है, तभी तो बात होती है प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड को ऑक्युपाई या आरक्षित करने की, वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले सरकारी अस्पताल फुल हो जाए, स्पिल ओवर बेड्स, तब जाके प्राइवेट की बात होती है। ये नहीं हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल फर्स्ट प्रेफरेंस बन गया है लेकिन पेमेंट आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट को देना पड़ता है, ये गलत हो रहा है। पहले सरकारी अस्पताल में सुविधाएं, ये पेंडेमिक है, ये कोई बाई चॉइस किसी ने नहीं लिया है। अगर ऐसी बीमारी के लिए सरकारी व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त है, अगर राघव जी को ऐसा लग रहा है दिल्ली में दुरुस्त है तो बता दें कहां दुरुस्त है, कितने बेड्स हैं, कितने ये मैं बता देता हूं, बता दूं मैं रोहित जी, आप छोटा सा जवाब दें फिर संबित पात्रा वेट कर रहे हैं उनके पास जा रहा हूं, बोलिए। देखिए ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि पहले इंसान सरकारी अस्पताल में जाए उसके बाद प्राइवेट में जाए, ये तो मरीज पर डिपेंड करता है उसको किस अस्पताल में जाना है। बहुत लोग निजी अस्पताल प्रेफर करते हैं, बहुत लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, माननीय डॉक्टर साहब अगर आप उसे अपनाएं, उसे खोलकर देखें तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कौन से अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल हैं। निजी अस्पताल कुछ 2-4 होंगे जिसमें बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, दिल्ली भर में बेड्स अवेलेबल हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं, आज से पहले ये स्थिति नहीं थी, आज से पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल फिजिकली जाकर मरीज को चेक करना पड़ता था। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब ये मोबाइल ऐप लाई गई है तो आपको भी आसानी है, हर मरीज को आसानी है। आज बेड्स की संख्या जितनी दिल्ली में है प्रति मिलियन आबादी पर, देश के किसी राज्य में नहीं है। जांच प्रति मिलियन की आबादी पर जितनी दिल्ली में है, देश के किसी राज्य में नहीं है। आज के अखबार में छपा एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा, केवल उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं वैसी एक खबर अखबार में भी छपी है जिसका हेडलाइन ये कहता है, कोविड प्रबंधन में यूपी की देश दुनिया में तारीफ, दिल्ली और महाराष्ट्र को फटकार, बेहतर प्रबंधन के लिए पीएम और WHO ने की है योगी सरकार की तारीफ। तो भाई हर सरकार जब बैठती है, सर जब हर सरकार बैठती है, अरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, आप भी तो अपनी प्रेस रिलीज ही पढ़ रहे हैं बैठ के चड्डा जी, आप भी तो अपनी प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं बैठ के। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रेस रिलीज और जमीनी हकीकत में अंतर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है तो हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि आईसीयू बेड खाली नहीं है, सब जगह आईसीयू बेड की स्थिति ये है। अब बात यूपी में कोरोना भाग गया, मैंने कहा ना तो जांच ही नहीं हो रही, मैंने कहा ही ना सर यूपी में तो जांच ही नहीं, फिर वही बात। अब ये आप कह रहे हैं जांच होगी, ये आप कह रहे हैं, फिर मैं उनकी प्रेस रिलीज पढ़ देता हूँ फिर जो उसमें छपा है। तो वही तो ना, आप अपनी प्रेस रिलीज पढ़े, वो अपनी प्रेस रिलीज पढ़े। इसलिए सवाल यह है संबित पात्रा, सारी चीजों का इलाज क्या केवल लॉकडाउन है? हर व्यक्ति यही पूछ रहा है, उसके मन में डर बैठ गया, क्या फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, क्या सब कुछ बंद हो जाएगा एक बार फिर से? संबित पात्रा लास्ट कमेंट। मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो जो यहां कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत दूरदर्शी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐप बना दिए और उत्तर प्रदेश की सरकार तो केवल प्रेस रिलीज दे रही है, देखिए ये जनता है, सब जानती है। कल ही अखबार में मैं पढ़ रहा था, देश में हर 5वां मृत्यु जो हो रहा है वो दिल्ली के कारण संख्या वृद्धि हो रही है, एवरी 10th इन्फेक्शन इज इन दिल्ली। तो दिल्ली आज एक छोटा सा राज्य होते हुए भी जिस प्रकार उसका कंट्रीब्यूशन डेथ और संक्रमण सबके सामने है, जब घर घर में जब सर देखिए मैं तो चिल्लाने रहा था बीच में, रोहित जी हम सब शांति से सुन रहे थे ना,
देखिए रोहित जी, आज दिल्ली में आप स्मशान घाट में जाइए, परिस्थिति खराब है। कुछ संख्याएं आप टेस्टिंग कीजिए, नहीं करिए, डेड बॉडीज की संख्या कोई छुपा के नहीं छुपा सकता है, लोग जानते हैं क्या परिस्थिति है। जहां तक लॉकडाउन का विषय है, मैं यहां पे मतलब हमारी सरकार है आज केंद्र में, केंद्र की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक हम जानते हैं कोई लॉकडाउन केंद्र की सरकार नहीं लगा रही है। मैं कोई केंद्र सरकार का अथॉरिटेटिव स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं, मगर इतना कह सकता हूं कि जो लॉकडाउन की अवधि थी, लॉकडाउन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस को फैलाना कि मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना, भीड़ में ना जाना। और मैं आज भी अपील करना चाहूँगा कि आज इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक में गए हैं, तो हम अगर अवेयर नहीं होंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। पार्टी चाहे हम आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के हो सकते हैं, कोरोना पार्टी पार्टी में भेद नहीं करता है, कोरोना इंसान को होता है, अपनी जान की जनता खुद जिम्मेदार है। मतलब नहीं नहीं नहीं, सरकारों को मिलके काम करना होगा और हमें भी जागरूक होना होगा। ये दोनों हाथों को एक साथ मिलना होगा, तब जाके कोरोना भागेगा। हम सबकी रेस्पॉन्स। ठीक है सर, राघव चड्डा कमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन माफी के साथ राघव समय बचा नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जो सवाल हमने आज लोगों से पूछा उसके लोगों ने क्या जवाब दी वो बताएंगे। आप देखते रहे आज तक दंगल आखिरी पड़ाव पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल हमने आपसे आज पूछा था, क्या कोरोना के बेकाबू हो रहे हालात के बाद फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले, 76% लोगों को लगता है हाँ लॉकडाउन लगना चाहिए, जबकि 24% का मानना है कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, आगे हल्ला बोल होगा। आप देख रहे हैं आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।